इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र के धरवार ने एक हवस के दरिंदे ने कक्षा 4 में पढ़ने वाली 8 वर्षीय छात्रा को बहना फुसला कर टॉफी देने के लालच में खेत में ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद हवस के दरिंदे ने 8 वर्षीय मासूम बच्ची को गला दबाकर मौत के घाट उतारने के बाद मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद एसएसपी ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया, जिसके बाद आज सुबह जसवंत नगर थाने के ग्राम कुसनेरा रोड पर पुलिस को एक सप्ताह बाद हवस के दरिंदे सचिन को मुठभेड़ में पकड़कर एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। एसएसपी ने कहा कि एक सप्ताह पूर्व जसवंत नगर थाना क्षेत्र 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का मामला हुआ था, जिस पर कार्य करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही थी, उसी के अंतर्गत आज थाना जसवंत नगर क्षेत्र के ग्राम कुरसेना रोड पर पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। यह 25,000 का इनामी बदमाश सचिन, जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करके हत्या की थी, आज उसको कई गोली लगने के बाद गिरफ्तार करके अस्पताल भेजा गया है। यह 25,000 शातिर बदमाश को आज धर दबोचा गया है। जनपद इटावा में और ऐसे अपराधी हैं जो पुलिस पर गोली चलाते हैं और पब्लिक पर भी गोली चलाते हैं, तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी और जनपद इटावा में अपराधियों के खिलाफ ऐसा ही अभियान जारी रहेगा। मौजूद रहे घटना स्थल पर एसएसपी सिटी रामिया सिंह, क्राइम ब्रांच टीम ने सफलता हासिल की है। इटावा से रिपोर्टर रामानंद तिवारी की रिपोर्ट। आया हुआ है, क्या है ये इसका पूरी घटना? एक सचिन कुमार नाम का जसवंत नगर से ये पुलिस लेके आई है, उसके पैर में गोली लगी हुई है और उसका ट्रीटमेंट चालू है, मेडिकल उसको कर दिया गया और उसके लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। किस तरीके के हालात हैं उस आरोपी के समय पर जेल में? खतरे से लोग खतरे से बाहर पैर में चोट एडमिट किया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।